तो गाइस स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है गर्जिया मंदिर स्पेशल, और हमारे साथ अक्की भी आ रखा है। तो हम जा रहे हैं गर्जिया मंदिर पे, आपको भी दर्शन कराएंगे। गर्जिया मंदिर का गेट हम क्रॉस कर चुके हैं, तो गेट से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है माता का भवन। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। और आगे माता के भवन को बढ़ते हुए हमें दिखते हैं काफी सारे शॉप्स जहाँ पर कि माता का प्रसाद रखा हुआ है। और आगे कुछ मिलते हैं फोटोग्राफर जो कि 5 मिनट में आपको फोटो दे देते हैं। आप मंदिर में घूम जाइए तब तक आपको फोटो मिल जाएगी। और यहाँ पर पहाड़ी टोपियाँ शॉप पे मिल जाती हैं। और फाइनली हम पहुँच गए मंदिर के पास, हमने लिए भैया से प्रसाद और आगे चले मंदिर की तरफ को। यह है रुद्राक्ष का पेड़ है सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है रुद्राक्ष का पेड़ मंदिर के प्रांगण में। आगे चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ। यह है लक्ष्मी नारायण मंदिर, आप अंदर जाएंगे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वहाँ पर मूर्ति है। तो भवन पे हम पहुँच चुके हैं भवन के पास, और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये कोसी नदी। यहाँ पर आपको मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचानी हो फैमिली की, तो बहुत सारे फोटोग्राफर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि फैमिली फ़ोटो करके आपके पीछे रहते हैं। और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं वो भवन है सामने, वहाँ हम जा रहे हैं। और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर देखिए नीचे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं अपनी। तो जय गिरजा देवी माँ, माँ गिरजा देवी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है स्वागत के लिए। और ये सामने भव्य मंदिर माता का, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप सामने देखिए वो भैरव देवता का मंदिर है, माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के पास यहाँ जाते हैं। और यहाँ से नीचे स्टेयर्स उतरने के बाद हम जाएंगे माता के दरबार के दर्शन करने। और मेरे साथ ये है अक्की, ये देखो हाय हाय बोलो। ज़्यादा अभी रश नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी है, तो फटाफट हम जाते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर दर्शन से पहले हम यहाँ हाथ पैर यहाँ पर धोएंगे, तो उसके लिए हम आ गए सीधा नदी में, कोशी नदी पे, और यहाँ पर हम अपने हाथ पैर धोएंगे। ये देखिए ठंडा ठंडा पानी, पानी बहुत ठंडा हो रहा है सही में। नहीं हो रहा बेटा, आराम से गिरना नहीं। इन लोगों का कहना भैया पानी ठंडा नहीं हो रहा है, मेरे को तो ये देख के ही बहुत ठंडा लग रहा है, ऐसा इन्होंने बोला ठंडा नहीं हो रहा, देखते हैं ठंडा। हाँ सही में यार, वाकई में ठंडा नहीं है ये तो। हाथ धोते हुए हम जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो पंच स्नान हो। चलो जय मैया की। भवन की तरफ ऊपर को हम बढ़ चुके हैं, मेरे आप देख सकते हैं वहाँ पर भज भवन है। और जय माता दी, काफ़ी हाइट पे ये मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करके वापसी आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं यहाँ पर काली माता का मंदिर है। काफ़ी लोग दर्शन करके यहाँ पर जा चुके हैं। ये आ गया माता का भवन, माता के भवन पर हम पहुँच चुके हैं। जय माता दी। गर्जा देवी माता की जय। आप यहाँ 1 महीना ले लो मंदिर, रोज दर्शन करो दोनों टाइम, बॉडी फिट। तो माता के दर्शन हमने कर लिए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। हम वहाँ से आए थे पुल के पास से, और अब हम माता के भवन के हाथ स्टेयर्स पे हैं, ऊपर भी नहीं है, पर इतनी ऊंचाई पे स्थित है ये मंदिर, अद्भुत है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच है ये कोशी। लोग माता के दर्शन करने वाला निकल रहे आगे, और कुछ भक्तगण अभी भी
यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जय माता दी, जय माता दी। सभी भक्त माता के दर्शन करने जा रहे हैं और ये देखिए कितना भव्य नज़ारा है माता के भवन से। दर्शन करके हम उतरे मंदिर से नीचे, तो अभी हम करके आए माता गिरजा देवी के दर्शन। आगे हम चलेंगे भोले बाबा के दर्शन करने, और उसके बाद से भैरव बाबा के दर्शन करने। हमें यहाँ पर एक सर मिले हैं जो कि कानपुर से आए हैं माता के दर्शन करने। तो सर आप पहले कब आए थे यहाँ पर? 2017 में आया था। 2017 में आए थे जी। तो आपको कैसी महिमा लगी यहाँ की? बहुत अच्छी, बहुत माता कहानी की महिमा है। तो सर यहाँ पर 2017 से 2024 है यहाँ पर आप आए जी। जी, माता की रानी बुलाया आ गए। तो माता रानी का इनको बुलावा आया और ये यहाँ पर आए हैं रामनगर में घूमने के साथ, यहाँ माता के दर्शन हो जाएं। नैनीताल रामनगर करोगे बाबा। अच्छा, तो ये सभी उत्तराखंड में सभी तीर्थ जो स्थल हैं आसपास रामनगर के, वहाँ अभी हरिद्वार जाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके हमें। माता के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने, और सामने आप देख सकते हैं वो गुफा है, उसके अंदर जाते हैं सभी दर्शन करने। बेटा सामने बाबा विराजमान है, ये दर्शन करने हम जा रहे हैं अंदर। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी होता है माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने यहाँ पर ज़रूरी हैं। तो हम बढ़ते हैं भैरव बाबा की तरफ। तो निकल चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, और आपको ये बता दूं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए छोटी सी नदी बीच में पड़ती है, वो हमें क्रॉस करके जानी होती है। तो अभी तो मौसम ठीक है तो हम क्रॉस करके जा सकते हैं, लेकिन जब आपका आता है जून जुलाई बरसाती मौसम आता है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है भैरव बाबा के दर्शन करने। देख रहे हैं एक तपस्वी बाबा जी धूप जला के अगरबत्ती करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आरू यहाँ पर अपनी जीन्स सही करते हुए। बाबा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये देखिए आप, ये जो नदी की बात कर रहा था यही है, छोटी सी पड़ती है लेकिन जब बरसाती मौसम आता है तो ये विकराल रूप धारण करके जहाँ तक आपको ये टेंट वेंट दिख रही है यहाँ तक ये आ जाती है, तो उसको पार करना काफ़ी मुश्किल होता है बरसाती मौसम में। तो अभी तो हम इजीली इसको क्रॉस करके भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं और वापस फिर मिलते हैं बाबा जी से। तो इसी नदी की मैं बात कर रहा था, ये बरसात में इसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी तो हम इसको धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, और मेरे पीछे और भी आ रहे हैं भाई लोग। फाइनली हम ये क्रॉस कर चुके हैं, तो सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, अब ये करेंगे दर्शन। और यहाँ सामने है भैरव बाबा का मंदिर। चलो जी, क्रॉस करते ही नदी हमें पहले दर्शन हो गए शेरा वाली माता के सामने। आप देख सकते हैं वहाँ पर सभी भक्तगण दर्शन कर रहे हैं, हम भी चलते हैं दर्शन करने और आपको भी कराएंगे। जय माता दी। तो माता के दर्शन करने के बाद, शेरों वाली माता के दर्शन करने के बाद हम बढ़े हैं भैरव बाबा की तरफ, और काफ़ी भक्त वहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया भजन सुनने को मिल रहा है, आपको सुनाते हैं। आप रहे
चलते हैं भैरव बाबा की तरफ। आप ये अपने शिव जी की पूजा आरती सुनी यहाँ पर पंडित जी द्वारा। ये हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर के पास। जय हो भैरव बाबा। जय हो भैरव। तो फाइनली भैरव बाबा के भी दर्शन हम कर चुके हैं और पंडित जी ने हमें लगाई है सर पे विभूति भैरव बाबा की। और मेरे साथ पीछे आप देख सकते हैं वो सामने गर्जिया मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरजा मंदिर का अद्भुत नज़ारा जो कि नदी के बीचों बीच स्थित है। देखिए मछलियाँ आपको दिखेंगी और ये दृश्य देखिए माता का भवन। यहाँ पर नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं जिन्हें यहाँ पर देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं तालाब में और सभी यहाँ पर बागपकड़ियाँ मछली को प्रसाद खिलाते हुए। तो गाइज यहाँ पर हम दर्शन करके आ चुके हैं माता का और काफ़ी यहाँ पर हवा चल रही है मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखो न्यूली मैरिड कपल्स भी आते हैं माता के दर्शन लेने आशीर्वाद लेने दर्शन करने यहाँ पर। और वैसे भी जो बाहर से आते हैं वो काफ़ी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और मेरे पीछे भक्त लोग और आ रहे हैं और कई यहाँ से जा रहे हैं दर्शन करने। हम आ चुके हैं और इसी के साथ एंड करते हैं आज का ब्लॉग। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, जय माता दी तो ज़रूर लिखना और इसी प्रकार के ब्लॉग देखने के लिए राज जोशी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।